वेलकम बैक फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर सेकंड, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आईटीएफ। वेरी इजी चैप्टर है, फॉर्मूले पे बेस है, ज्यादा फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में जो भी हमें लर्न करने पड़ेंगे। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस चैप्टर की वेटेज 3 मार्क्स की है। पहले ये चैप्टर 4-5 मार्क्स का आता था जब हमारा पेपर 100 मार्क्स का होता था, अब पेपर हमारा 80 मार्क्स का है। कंसेप्ट को जब समझना जरूरी है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। ये जो इनवर्स का कंसेप्ट है ये हमारा फर्स्ट चैप्टर में भी काम आता है, और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं ये हमारा चैप्टर 5 जो कि डेरिवेटिव्स का है उसमें भी हमारा यूजफुल है। तो कंसेप्ट को समझने पे ध्यान दें। इनवर्स ऑफ एफ, एफ हमारा कोई भी फंक्शन है, उसका इनवर्स हम एफ माइनस 1 से डिनोट करते हैं। ये पावर नहीं है, जैसे ए हमारा मैट्रिक्स होता है, ए की पावर माइनस 1 लिखते हैं हम, वो पावर नहीं होती, ठीक है। इसी तरह एफ की जो माइनस 1 है इसका मतलब 1/f नहीं है, ये सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करता है, एफ इनवर्स को, फर्स्ट थिंग। सेकंड पॉइंट, अगर मेरा एफ कोई भी फंक्शन है x2y, ये आपने फंक्शन और रिलेशन क्या होता है आपने 11th क्लास में अच्छी तरह पढ़ा है, तो एफ इनवर्स का मतलब इसका रिवर्स, यानी कि एफ इनवर्स मेरा y2x हो जाएगा, ये ध्यान दें। थर्ड पॉइंट है, f इनवर्स एग्जिस्ट इफ f इज 1 1 एंड ऑन 2। किसी भी फंक्शन f इनवर्स एग्जिस्ट का मतलब है f मेरा कोई भी फंक्शन है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा, इफ f इज 1 1 एंड ऑन 2। अगर हमारा फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 होगा तो तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन क्या होता है, देखिए पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। मैं रिमाइंड करवा देता हूं, आपने 11th क्लास में देखा था फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। रिलेशन f फ्रॉम x टू y इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज अ यूनिक इमेज इन y। किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं, अगर ये आपको भी पता है f x टू y, x हमारा क्या कहलाता है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, और y क्या कहलाता है, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ x, यानी कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर, ठीक है। अब देखिए ये हमारे कुछ मैंने एरो डायग्राम से रिलेशंस रिप्रेजेंट किए हैं बाय एरो डायग्राम, ठीक है। आपने 11th क्लास में सीखा था कि रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के बाय रोस्टर फॉर्म, बाय सेट बिल्डर फॉर्म, बाय एरो डायग्राम, ठीक है। इनमें से हम देखना चाहते हैं कौन कौन से हमारे फंक्शन है, ठीक है। जैसे मैंने बोला डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर। देखिए डोमेन सेट x है और कोडोमेन हमारी y है। 1 की इमेज a, a की इमेज है यूनिक है, 2 की इमेज b, इसकी भी हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है। डोमेन के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज नहीं है, तो हमारा ये फंक्शन है, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और a की होनी चाहिए। अब यहां पे आ रहा है ये फंक्शन है, 1 की भी एक ही इमेज है, 2 की भी एक ही इमेज है, 3 की भी एक ही इमेज है, 4 की भी एक ही इमेज है, ठीक है। हर एक एलिमेंट की, डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज है, और यहां पे देखिए 2 एलिमेंट की सेम इमेज है तब भी ये फंक्शन है, ठीक है तो यूनिक। तो कहने का मतलब है डोमेन के अंदर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, ठीक है, ये भी हमारा फंक्शन है, समझ आ रहा है। f 3, इसमें भी 3 एलिमेंट की सेम इमेज है, ये भी हमारा फंक्शन। अब 4 की देखो कोई इमेज नहीं है इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं है। अगर मैं 4 की इमेज बना देता हूं अब ये क्या बन गया, क्योंकि पहले 4 की इमेज नहीं थी, जैसे कि मैंने बोला डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज होना जरूरी है, अब 4 की इमेज है तो ये क्या बन गया, हमारा फंक्शन बन गया। अब यहां पर देखिए 1 की एलिमेंट की 2 इमेज है, मैंने जैसे बोला कि डोमेन के अंदर हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए, अब यहां पे 1 एलिमेंट की यूनिक नहीं है, 2 इमेज है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, समझ आया। हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए डोमेन के हर एक एलिमेंट की, और वो भी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, यूनिक नहीं है, 2 इमेज है इसलिए हमारा फंक्शन नहीं है। अब आपको डोमेन पता लग गया, कोडोमेन पता लग गया, अब ध्यान से देखें रेंज क्या होती है। जो इमेजेस होती है, इमेजेस 1 की इमेज क्या है, ए, 2 की इमेज बी, तो इमेजेस का तो सेट होता है,
वो क्या कहलाती है, हमारी रेंज कहलाती है। तो इसकी रेंज क्या है, ए बी सी डी सेट, और इसकी रेंज ए और बी सिर्फ, क्योंकि इमेज ए और बी ही है। ठीक है, रेंज का पता लग गया, अब आपको इमेज का भी पता है क्या होती है, और प्री इमेज भी आपको पता होनी चाहिए। अब वन की इमेज ए है तो हम वन को ए की प्री इमेज बोलेंगे, अब टू बी की क्या कहलाएगी, प्री इमेज कहलाएगी, और थ्री सी की क्या कहलाती है, प्री इमेज कहलाती है। समझ आ गया ये? ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, पहला होता है हमारा वन वन फंक्शन, मैनी वन, ऑन टू, वन वन ऑन टू। ठीक है, अब वन वन फंक्शन क्या होता है, किसी भी फंक्शन को हम वन वन कहते हैं अगर डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज को डोमेन के अंदर डिफरेंट होनी चाहिए। ध्यान से देखें, एलिमेंट्स अलग अलग हैं, हर एलिमेंट की इमेज भी क्या है, अलग अलग है, तो हमारा ये फंक्शन वन वन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वन वन। अब यहां पे देखें, एलिमेंट्स डिफरेंट है बट इमेज डिफरेंट नहीं है। समझ आ रहा है, इमेज डिफरेंट नहीं है, यानी कि दो सेम एलिमेंट की, दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज क्या है, सेम है, तो ये हमारा वन वन नहीं है, ये भी वन वन नहीं है। अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज भी क्या होनी चाहिए, अलग अलग, वन 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 वन। ठीक है, अब मैनी वन, मैनी वन का मतलब है एक से ज्यादा एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज। ठीक है, अब ध्यान से देखें, एक से ज्यादा एलिमेंट दो है, दो की इमेज क्या है, सेम है, मैनी वन, मैनी वन। तो ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन। ये भी कैसा फंक्शन है, मैनी वन। समझ आ रहा है, अब हम बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू फंक्शन वो होता है जिसमें कोड डोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, वो फंक्शन जिसमें कोड डोमेन के हर एक एलिमेंट की क्या है, प्री इमेज। अब ध्यान से देखें, इसमें वाई में चार एलिमेंट है, ए बी सी डी, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है। एलिमेंट ए की कितनी प्री इमेज है, दो, कम से कम एक प्री इमेज होना जरूरी है। बी की भी दो प्री इमेज है, बट सी की कोई भी प्री इमेज नहीं है, ना ही डी की प्री इमेज है, तो ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, अब ये हमारा ये फंक्शन कोड में के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है, ए की भी प्री इमेज है, बी की भी हमारी प्री इमेज है, तो ये कैसा है, ऑन टू फंक्शन है, मैनीबल भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। समझ आ रहा है, वन वन ऑन टू बात करते हैं हम। वन वन ऑन टू वो फंक्शन होता है जो वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है। अब देखें, ये वन वन है, ऑन टू भी है, ऑन टू क्यों है, क्योंकि कोड डोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है। देखो यहां पे कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए जिसकी की प्री इमेज नहीं हो, यहां पे कोई भी एलिमेंट नहीं बचा हुआ जिसकी की प्री इमेज नहीं है, ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। समझ आ रहा है, ठीक है, अब ध्यान दें, वन वन पता लग गया, ऑन टू पता लग गया। अब हम इनवर्स की बात करते हैं। इनवर्स, इसका इनवर्स मैंने बोला, अगर फंक्शन वन वन ऑन टू है तो उसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा। अब इसके इनवर्स की बात करते हैं, मैनी वन। इनवर्स का मतलब है, सपोज मैंने ए से बी लिया, बी टू ए, रिवर्स, रिवर्स करें, यानी कि एफ वन इनवर्स बी टू ए, अगर बी टू ए करूंगा, ए की कितनी इमेज हो जाएगी, दो इमेज हो जाएगी, वन इन टू, क्या फंक्शन होगा, नहीं होगा, तो इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो इनवर्स होगा वो भी तो फंक्शन होना चाहिए, वो फंक्शन नहीं है। ये हमारा मैनी वन और ऑन टू। अब ध्यान दें, जब मैं इसको रिवर्स करूंगा, सपोज एक्स टू वाई है, यानी कि इसका इनवर्स कहां से कहां होगा, वाई से एक्स होगा, ए की कितनी प्री इमेज आएंगी, सॉरी ए की कितनी इमेज होगी, तीन, तो क्या फंक्शन होगा, जैसे फंक्शन के लिए मैंने कंडीशन बताई थी, हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, ए की इमेज होनी चाहिए, ये भी फंक्शन, यानी कि जो मेरा एफ टू इनवर्स आएगा वो फंक्शन नहीं होगा, इसलिए एफ टू इनवर्स भी हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ आ रहा है, ठीक है, अब ये देखें हमारा, अब ये जो फंक्शन है, हम इसका इनवर्स, इसका इनवर्स का मतलब है वाई टू एक्स, रिवर्स देखें, एक इमेज क्या हो जाएगी, वन,
बी की इमेज क्या हो जाएगी टू, सी की इमेज क्या थ्री, डी की इमेज क्या हो जाएगी फोर। ये क्या बन रहा है हमारा एस इनवर्स जो हम निकालेंगे बाई टू एक्स, वो क्या बन रहा है फंक्शन बन रहा है, इसलिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये कैसा फंक्शन है, वन वन ऑन टू। इसलिए कोई भी फंक्शन अगर वन वन ऑन टू है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, समझ आ गया। अब ध्यान से अब देखें एफ इनवर्स जो हमारा फंक्शन होगा बाई टू एक्स, बाई टू एक्स ए बी सी डी वन टू थ्री, जैसे मैंने बताया जो कोडोमेन है वो क्या बन जाएगी डोमेन बन जाएगी, और जो डोमेन है वो क्या बन जाएगी कोडोमेन। तो ए की इमेज वन, बी की इमेज सी की इमेज डी की इमेज, देखो वन की इमेज ए है तो ए की इमेज क्या बन गई वन। या ये कह सकते हैं इन जनरल यहां पे लेते हैं हम एक्स एलिमेंट, यहां पे लेते हैं वाई, और क्या लिखते हैं वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, वी से वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। याद है एक्स की इमेज वाई है, ठीक है, तो वाई की इमेज एक्स अंडर एफ इनवर्स। या ये कह सकते हैं हम, ये पॉइंट नोट करने लायक है, अगर एक्स की इमेज वाई है, ठीक है, यहां पे जैसे वन की इमेज ए है तो वाई की इमेज यहां पे वाई हो गया और यहां पे वो क्या हो गया एक्स, वाई की इमेज एक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां से लें, यहां पे वन की इमेज ए है, ठीक है, अंडर एफ है ना, और तो एफ इनवर्स की इमेज सॉरी ए की इमेज अंडर एफ इनवर्स क्या है वन है, तो इससे हमें क्या मिला एफ इनवर्स मतलब उधर चला गया, ये कह सकते हो आप। अगर एफ वन ए है तो एफ इनवर्स ए हमारा क्या है वन है। तो कहने का मतलब है अगर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है तो एफ इनवर्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा हमारा एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट है जो हमारा नोट करने लायक है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम डिफाइन करेंगे इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नाउ सी द इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, y इज इक्वल टू साइन एक्स का हम इनवर्स देखें। इनफैक्ट जो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो वन वन ऑन टू नहीं होते, उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, हम उनकी डोमेन को ट्रिम कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, इसलिए उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसको हम समझेंगे, साइन एक्स हमारा फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बोले या वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, साइन आपने 11th क्लास में पढ़ा है, साइन जो फंक्शन होता है उसकी डोमेन होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स, और जो रेंज होती है माइनस वन से वन होती है। आपको पता है जो हमारे रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है, जिनकी डोमेन और कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। तो डोमेन का मतलब आपको मैं बता देता हूं, डोमेन का मतलब है ये हमारा फंक्शन है साइन एक्स, एक्स की रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच जो वाई की जो वैल्यू आएगी दैट इज रियल। एक्स की आप क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं रियल, और जिसके लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है रियल आए। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स को आपने 30 पुट किया, ठीक है, तो एफ एक्स या वाई की वैल्यू कहीं कितनी आ गई 1/2 रियल है। आप कुछ भी वैल्यू आप एक्स की पुट कर सकते हैं, यानी कि ये कहें इनपुट जो सेट होगा हमारा इनपुट का, क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं आप, वो होगी हमारी डोमेन। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। और जो हमारी रेंज है दैट इज द आउटपुट, यानी कि वैल्यू पुट करने के बाद जो हमें वैल्यूज मिलेगी, जैसे साइन 30 1/2 आ गया, साइन एक्स की आपने 45 पुट किया 1/√2 आ गया। जो इमेजेस आ रही है इमेजेस का सेट यानी कि आउटपुट वो हमारी रेंज होगी, और वो वैल्यूज कोई भी आप पुट करें एक्स की वैल्यूज, जैसे साइन 30 1/2 आ गया 1/2 इसमें है, तो वो क्या कहलाती है हमारी रेंज कहलाती है। ठीक है, अब ध्यान से देखें ये हमारी डोमेन और ये हमारी रेंज, रेंज और डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स, साइन फंक्शन है हमारा। आप वैल्यू पुट करें स्कोर, ये कहते हैं हम रेंज, या ये कह सकते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स, फंक्शन है हमारा। और यहां पे हम वैल्यू लेते हैं x, x की वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू हमने पुट की -π/2, तो y की वैल्यू या fx की वैल्यू कितनी आई साइन माइनस थीटा, क्या होता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है माइनस वन आ गया, यानी कि -π/2 की जो इमेज है कितनी है माइनस वन है। तो -π/4 कितना आ गया -1/√2,
माइनस पाई बाई सिक्स, कितनी वैल्यू आ गई 13 माइनस 1 बाई टू। इसके बाद पाई बाई जीरो डिग्री लेना चाहें आप, हम यू कैन टेक एनी वैल्यू, पाई बाई थ्री इज फोर, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट थ्री बाई टू, पाई बाई सिक्स तो पाई बाई टू ले लेते हैं, साइन पाई बाई टू इज 1 बाई साइन 90 कितना होगा भाई 1। इसके बाद हम वैल्यू ले लेते हैं 90 के बाद 2 पाई बाई थ्री 120। अब 2 पाई बाई थ्री की वैल्यू आपने पता है, 2 पाई बाई थ्री की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, पॉजिटिव होता है साइन सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कैसे वैल्यू निकालते हैं पाई माइनस पाई बाई थ्री करके निकालते हैं, वही वैल्यू आ जाएगी जो हमारी पाई बाई थ्री की होती है, पाई बाई थ्री की जो वैल्यू होती है, यानी कि इसकी जो इमेज आई हमारी 2 पाई बाई थ्री की, यही इमेज आ गई। यानी कि ध्यान से देखें, आगे हम 150 डिग्री एंगल लेते हैं, ठीक है। अब पाई बाई थ्री और 2 पाई बाई थ्री की जो इमेज है सेम है, क्या है इमेज सेम है, आगे भी आप वैल्यू जैसे 120 डिग्री है, 150 डिग्री है, 180 डिग्री है, आगे वैल्यूज ले सकते हैं आप। तो देखिए दो एलिमेंट्स की इमेज सेम है, ठीक है, मैनी वन, क्या ये 1-1 फंक्शन रहा, 1-1 नहीं है, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट देखिए माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक 1-1-1-1-1-1-1-1 एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, यानी कि माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक ये कैसा फंक्शन है, 1-1 फंक्शन, ठीक है। अगर हम इसकी डोमेन को माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक कर दें तो ये फंक्शन हमारा क्या बन जाता है, 1-1 बन जाता है और ओम टू बन जाता है। तो इसका इनवर्स, तो हम क्या करते हैं, तो जो साइन इनवर्स होता है हमारा फंक्शन होना क्या चाहिए, हमारा माइनस 1 से 1 तक आर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। बट ये आर तक अगर हम कर देते हैं, ये पूरा हम इसकी डोमेन लेते हैं, तो हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 1-1 ओम टू नहीं है, फंक्शन ही बनेगा, ठीक है। तो हम इसकी डोमेन को कहां से कहां कर देते हैं, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, जो हमारी रेंज थी वो क्या बन गई है, इनवर्स के लिए डोमेन बन गई है, और जो हमारी हमने इसको क्या कर दिया, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, वो क्या बन गई, रेंज बन गई। इसको रेस्ट्रिक्ट क्यों किया, क्योंकि 1-1 एंड ओम टू बनाने के लिए, जिससे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, समझ आ रहा है। माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक ये फंक्शन हमारा क्या बन जाता है, 1-1 ओम टू बन जाता है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसलिए साइन इनवर्स हमारा क्या, माइनस 1-1 से लेकर माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक। दिस रेंज इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज, सिंपल रेंज है ये क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी आपने देखा कि साइन जो फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब हम उसकी डोमेन को क्या कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। सिमिलरली जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोस, टेन, कोसेक्स, सेक, उनका भी इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब हम उनकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, ठीक है, ट्रिम कर देते हैं। ध्यान, ये आपको टेबल है जो लर्न करनी पड़ेगी, और इसका मैं तरीका बता देता हूं। और 11th क्लास में आपने सीखा साइन जो फंक्शन होता है r2 माइनस 1-1 होता है, जैसे मैंने बताया ये डोमेन है और इधर क्या है, रेंज, डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होता है और इसकी जो रेंज होती है माइनस 1 से 1 होती है, ठीक है। तो इसका तो साइन इनवर्स तो मैंने अभी बता ही दिया था, माइनस 1-1 से लेकर जो रेंज है डोमेन बन जाएगी, और जो डोमेन है वो r क्यों नहीं बनी, क्योंकि हमें इसको डोमेन को क्या करना पड़ा, ट्रिम करना पड़ा माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक। और दिस इज कॉल्ड द, ये डोमेन है हमारी इधर इनवर्स फंक्शन की, और ये क्या कहलाती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, क्या कहलाती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज लाइन, क्या कहते हैं इसको, रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब मैं पहले ये रिमाइंड करवा देता हूं आपको, 11th क्लास में किया था, कोस फंक्शन होता है, डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है, रेंज माइनस 1 से 1 होती है, कोसेक जो इसकी डोमेन होती है, सेट ऑफ रियल नंबर्स
एक्सेप्ट x इज इक्वल टू n पाई, n पाई माइनस 2 किया, कोसेक क्या होता है हमारा 1 बाई साइन होता है, 1 बाई साइन, ठीक है, यानी कि अगर डिनोमिनेटर में 0 होगा तो कोसेक डिफाइन नहीं होगा, और साइन 0 कब होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू n पाई, इसलिए वो वैल्यूज माइनस करनी पड़ेगी जो कि n पाई है, इसकी डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस x इज इक्वल टू n पाई, और इसकी जो रेंज है हमारी r माइनस ओपन इंटरवल माइनस 1 से 1। अब ये एक बार समझा देता हूं आपको कैसे, जो हमारी कोस या साइन की जो होती है, साइन की जो रेंज होती है माइनस 1 से लेकर 1 होती है, माइनस 1 से लेकर 1 होती है। अब देखें जब आप किस, मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूं दोनों टाइम, जैसे मान लो 3 इज लेस देन 4 होता है, अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा 1 बाई 3 इज ग्रेटर हो जाएगा ना 1 बाई 4 से, तो इसी तरह मैंने रेसिप्रोकल किया तो ये साइन है जो रिवर्स हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई साइन, रेसिप्रोकल कर दिया इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कोसेक एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि कहने का मतलब है हमारा जो कोसेक एक्स 1 से ग्रेटर या इक्वल बट लेस देन इक्वल टू माइनस 1, यानी कि यहां आप नंबर लाइन बनाए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहां पे 1 है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा, और माइनस 1 से लेस, माइनस 1 से लेस किधर होता है, यानी कि ये वैल्यू छूट जाएगी बस, यानी कि माइनस 1 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेकिन ये वैल्यू माइनस 1 से लेकर 1 तक क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, समझ आ रहा है, ठीक है, इसलिए इसकी रेंज ये है। सेक की सेम है, सेक की भी माइनस 1 से 1 होती है, सिमिलर निकाल सकते हैं, सेक 1 बाई कोस होता है, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया, डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया, अगर 0 हो गया तो sec हमारा डिफाइन नहीं होगा, और cos 0 कब होता है, cos theta is equal to 0 when theta is equal to 2n plus 1 pi by 2 odd multiple of pi by 2, इसलिए माइनस हो गया। 10, 10 क्या होता है हमारा, sin by cos, अब डिनोमिनेटर में cos है, cos नीचे 0 नहीं होना चाहिए, और cos 0 कब होता है, जब theta is equal to 2n plus 1 pi by 2, इसलिए इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स सिर्फ except, यानी कि हम वो वैल्यूज माइनस कर देंगे जो ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या आता है, नीचे कोस आता है, और इसकी जो रेंज आएगी सेट ऑफ रियल नंबर्स, आप कोई भी वैल्यू पुट करें कोई भी वैल्यू आ सकती है। कोट का भी सेम है, कोट क्या होता है, कोस बाई साइन, और साइन नीचे है तो 0 कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू एन पाई, और इसकी जो हमारी रेंज आती है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अब इसका इनवर्स मैंने आपको बता दिया, कोस, कोस की डोमेन को हम 0 से पाई अगर कर देते हैं, कहां से कहां करेंगे रेस्ट्रिक्ट, 0 से पाई, तो ये हमारा क्या बन जाता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है कोस का, इसलिए माइनस 1 से लेकर 0 से पाई कोसेक इनवर्स। अब आपको दो की लर्न करनी है, बाकी अपने आप भी हो सकती है, कोसेक इनवर्स, इसकी डोमेन आर माइनस माइनस 1 से, अब ये क्या बन जाएगी हमारी रेंज, बट इसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अब कोसेक को आप ऐसे देखें, कोसेक क्या होता है, 1 बाई साइन, ठीक है, कोसेक होता है 1 बाई साइन वाला है, जो साइन की है वही है, 0 क्यों माइनस किया, क्योंकि कोसेक 0 डिफाइन नहीं होता, इसलिए माइनस कर दिया। सेक, सेक आर माइनस ओपन इंटरवल माइनस 1 से लेकर, अब सेक क्या होता है, 1 बाई कॉस, अब कोस की देखो क्या है, 0 से पाई, इसकी भी 0 से पाई है, लेकिन माइनस पाई बाई 2 क्यों किया, क्योंकि सेक पाई बाई 2 डिफाइन नहीं होता, इंफिनिटी होता है। टेन इनवर्स, टेन इनवर्स में आपने आर टू दिस हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसकी साइन क्या होता है, साइन बाई कॉस, टेन इनवर्स, टेन को समझे आप, साइन बाई कॉस, साइन की देखो क्या है, माइनस पाई बाई टू, ठीक है, ये ओपन क्यों लगाया, क्योंकि टेन माइनस पाई बाई टू भी डिफाइन नहीं होता, पाई बाई टू भी डिफाइन नहीं होता, इंफिनिटी होता है, इसलिए क्लोज नहीं लगाया। इसी तरह कॉस आर टू जीरो टू पाई, ठीक है, कोट क्या होता है, कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन, कॉस की है जो वही है, सिर्फ लास्ट पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ठीक है, समझ आ गया। अभी मैंने आपको बताया जो पॉइंट नोट करना था, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रिमाइंड करनी है, लर्न करनी है। अब जो मेन पॉइंट है जो आपको नोट करनी है, आर प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें जैसे कि मैंने बताया था प्रॉपर्टीज काफी हैं, फॉर्मूले ज्यादा हैं, उनको आपको लर्न करना है,
मेन पॉइंट पहले इसका, साइन एक्स इक्वल टू वाई, दिस इंप्लाइज उधर चला गया साइन, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स। जैसे मैंने बताया था, मैंने बोला था नोट कर ले इस पॉइंट को, एफ एक्स अगर वाई है तो इसका मतलब एफ इनवर्स वाई क्या बन गया, एक्स, बताया था मैंने। यानी कि अगर x की इमेज अंडर साइन y है तो y की इमेज क्या हो जाएगी, क्योंकि साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, अगर वो साइन फंक्शन हमारा x टू y है तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, y टू x हो जाएगा ना, तो y की इमेज अंडर साइन इनवर्स क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। इसको आप ऐसे समझे, साइन इनवर्स उधर चला गया, साइन इनवर्स y इक्वल टू x हो गया। फॉर एग्जाम्पल साइन पाई बाई सिक्स इक्वल टू वन बाई टू है, आपको पता है साइन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है, वन बाई टू होती है। अगर मैं इसको इनवर्स की डेफिनेशन में लिखूं, साइन इनवर्स 1 बाई 2 कितना हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स 1 बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 6। इसको ये साइन और लगा लें, इसका मतलब होता है डिफेंडर ओनली। अगर साइन इनवर्स y इक्वल टू x होगा तो साइन x किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज है साइन इनवर्स साइन x x के इक्वल होता है, या ये कह सकते हैं इनवर्स ऑपरेटर होते हैं, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। आप, मैं एक प्रूफ करवा देता हूं इसका, देखो साइन इनवर्स y किसकी इक्वल है, x की इक्वल है, ठीक है। साइन इनवर्स y कितना है हमारा, साइन x है, आ गया ना वही, ठीक है। साइन से साइन कट गया, क्या x कैंसिल नहीं करना है आपने, दिस आर द इनवर्स ऑपरेटर जो कि कैंसिल हो जाते हैं, x आ गया। और प्रोवाइडेड x मेरा जो ये x है इसमें बिलोंग करना चाहिए, माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू में बिलोंग करना चाहिए, समझ आ रहा है। यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करना जरूरी है, ठीक है। कोस इनवर्स कोस एक्स एक्स की इक्वल होता है, सिमिलरली एंड सो ऑन का मतलब है, अगर टेन इनवर्स टेन एक्स होगा तो वो भी एक्स की इक्वल हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट समझ में आ गया, आसान है, कैंसिल हो गया, एक्स बच गया, ये समझ सकते हैं आप। अब साइन साइन इनवर्स अगर अंदर है, x मेरा डोमेन में बिलोंग करता है माइनस वन से वन, इसको इतना ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है, बस इसको ज्यादा नोट करने की जरूरत है। साइन साइन इनवर्स वो भी क्या हो जाता है, x हो जाता है, cos cos इनवर्स क्या होता है, x होता है, एंड सो ऑन, ठीक है, समझ आ गया यहां तक। अब मैं थर्ड कर रहा हूं, साइन इनवर्स माइनस x माइनस साइन इनवर्स x होता है, ठीक है। cosec इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है, और टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। अब मैं बताता हूं इनको माइनस क्यों लगाया हमें, ध्यान से देखने का, जो हमारी इन प्रॉपर्टीज को हम प्रूव भी कर सकते हैं। जो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होती है, और यहां पर माइनस है, यहां भी यहां पे माइनस पाई बाई टू और ये पाई बाई टू, ठीक है। यहां पे अगर एंगल थीटा है तो यहां पे क्या होता है, माइनस थीटा होता है, इतना पता है आपको, माइनस। तो हमें साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स इसलिए लिया क्योंकि साइन जो माइनस होता है इसी क्वाड्रेंट में होता है, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है, इसलिए उसके आगे क्या लग गया, माइनस लग गया। यानी कि जिनकी हमारी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक जिनकी रेंज होती है, साइन की भी होती है, कोसेक की भी होती है, टेन इनवर्स की भी होती है, उनके आगे माइनस लगाया है, ठीक है। अब हम आते हैं कोस इनवर्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कोस का रेसिप्रोकल सेक इनवर्स माइनस एक्स, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस। अब ध्यान देंगे पाई क्यों आया है, क्योंकि माइनस कोस इनवर्स माइनस की बात हो रही है, और कॉस माइनस किस में होता है, इसकी जो रेंज होती है जीरो से पाई होती है, कहां से कहां होती है, जीरो से पाई, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, माइनस, हमने उस क्वाड्रेंट में जाना जिसमें माइनस होता है। उसी तरह साइन का हम किसमें गए, फोर्थ में गए ना, फोर्थ में माइनस था, इसी तरह से हम इस क्वाड्रेंट में जाएंगे क्योंकि माइनस के बात कर रहे हैं हम। इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट का एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, याद है पाई माइनस थीटा, इसलिए पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। यानी कि आप ये कहें जिनकी रेंज जीरो से पाई होती है उसमें पाई माइनस हो जाएगा, और जिनकी रेंज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होती है उनमें क्या होता है, उनके आगे सिर्फ माइनस लगता है। अब हम इनका प्रॉपर्टीज हमारी और भी है,
बट इनका यूज हम एक्सरसाइज 2.1 में करेंगे, इसलिए देखिए एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। पहले उसके लिए देखिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। प्रिंसिपल वैल्यू, वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाइज इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। हम जैसे साइन पाई बाई 3 की वैल्यू निकालते हैं, रूट 3 बाई 2 आता है, इसी तरह हम जैसे फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स माइनस 1/2 या साइन इनवर्स 1/2 की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू आएगी, बट वो वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होनी चाहिए, वो वैल्यू क्या कहलाती है, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है, ठीक है। अब ध्यान दें, फाइंड क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आप डायरेक्ट आंसर लिखें, नो प्रॉब्लम, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूं। अभी मैंने बताया था साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या बताया था, माइनस साइन इनवर्स एक्स बताया था, तो माइनस इसका डायरेक्ट आंसर की बात कर रहा हूं मैं, माइनस। अब 1/2 देखें, एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस एंगल की वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है पाई बाई 6, तो यानी कि इसकी जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, माइनस पाई बाई 6 आ गई, ठीक है, समझ आया। क्या लेना, माइनस लगाना है, और फिर देखना 1/2 एक्यूट एंगल साइन के किस एंगल की वैल्यू होती है, किसकी होती है, 30 की वैल्यू होती है माइनस पाई बाई, ठीक है। और इसको पूरा प्रोसीजर करने का तरीका देखिएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, माइनस ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ये यूज किया हमने अभी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन इनवर्स पहले माइनस को फिनिश करना है, ये लगाना है इसका मतलब। अब 1/2 किस एंगल की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। साइन इनवर्स साइन एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के कट जाता है, ये कब करता है, जब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है। और पाई बाई 6 किस में आता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में आता है, रेंज में आता है, रेंज में आना जरूरी है तभी करते हैं ये, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस पाई बाई, तो इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस पाई बाई 6 है, ठीक है। अब हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, यानी कि क्या प्रिंसिपल वैल्यू कहने का मतलब है, कोस के किस एंगल की वैल्यू माइनस 1/2 होती है, इसका मतलब क्या है, कोस के किस एंगल की वैल्यू माइनस 1/2 है। शॉर्ट में बता देता हूं, पेपर में आपने आंसर शॉर्ट में लिख दें, 1 मार्क्स में ही आता है। जहां पे मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, कोस इनवर्स माइनस एक्स जिनकी रेंज 0 से π होती है, 0π होती है, क्लोज इंटरवल 0π, कोस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स बताया था, तो क्या करें आप, पाई में से माइनस कर दें 1/2, कोस के किस एंगल की वैल्यू होती है, 60 की होती है, पाई बाई 3 की होती है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2π/3। अब डिटेल में करेंगे, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, क्यों, सिंस कॉस इनवर्स माइनस एक्स किसके क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के होता है। अब कोस से कोस काटने के लिए क्या करें, कोस के एंगल की वैल्यू लिखी, कोस की किस एंगल की वैल्यू होती है, 60 की, कोस से कोस कैंसिल, ये हमने प्रॉपर्टी लगाई है कि कोस इनवर्स कोस एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है, और ये तभी होता है जब हमारा ये एक्स किस में आता है, इसकी रेंज में आता है। अब रेंज में आता है ना, रेंज क्या होती है, 0 से π, और पाई बाई 3 हमारा 0 से π आता है, तो कितना आ गया, 2π/3। और पूरी की पूरी एक्सरसाइज हम शॉर्टकट इसी पे हम डिपेंड कर सकते हैं, पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमने प्रॉपर्टीज करवाई है उसी पे आप सॉल्व कर सकते हैं।